हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज हम बनाएंगे साग। सरसों का साग नहीं बना रहे हम बनाएंगे ये पालक बथुआ और मेथी का साग। बहुत ही बढ़िया बनता है और सर्दियों में एक बार आप ट्राई करें, सरसों का साग खाना भूल जाएंगे आप। बहुत ही बढ़िया डिलीशियस बन के तैयार होता है ये। मैंने इनको, ये मेथी बथुआ और पालक को छांट कर धो लिया है मैंने अच्छी तरह से। थोड़े से मैंने इसके मूली के पत्ते भी लिए हैं इसके अंदर, उनके जो छोटे पत्ते होते हैं या थोड़े जो मुलायम वाले पत्ते होते हैं उनको भी अच्छी तरह से धो दिया है। एक मुट्ठी मैंने ली है हरी दाल, मूंग दाल, इसको मैंने भिगो दिया था। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा काट के प्रेशर कुकर में डाल देंगे। प्रेशर कुकर में हमने आधा गिलास पानी डाला है और ये हमने अपने साग को रफली चॉप कर लिया है, इसमें डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया और हेल्दी है। बथुआ जरूर खाना चाहिए, सर्दियों में गर्म होता है और आता भी आपको पता है सर्दियों में ही है। बहुत ही हेल्दी मेथी है हमारे लिए, पालक बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी साग बन के तैयार होगा। एक बार आप इसको ट्राई करें जरूर, इस तरह भी बना के देखें। साथ में डाल देंगे हम ये दाल। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। प्रेशर कुकर बंद करके एक दो सीटी आ जाए पहले, उसके बाद सिम कर देंगे। फिर इसको 10-15 मिनट धीमी आंच पे कुक होने देंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। स्टीम निकल गई है प्रेशर कुकर की। अब बढ़िया से साग गल गया हमारा। अब हम इसको थोड़ा सा घोट लेंगे, या तो घोटने से घोट लें आप, नहीं तो फिर हल्का सा मिक्सी में चला लें इसको। ये देखिए, गरम गरम साग को ही हम इसे घोटने से घोट लेंगे। मिक्सी से चलाते हैं ना तो बिल्कुल बारीक सा हो जाता है, मेहंदी जैसा। बहुत बढ़िया घुट जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर, 5-7 मिनट। चलिए इसके तड़के की तैयारी करते हैं और साथ साथ मैं अपना ये साग भी घोट लूंगी। घी डाल दिया हमने 1 चम्मच। साग में घी का ही तड़का अच्छा लगता है। और प्याज डाल देते हैं हम। 1 प्याज दिया हमने कटा हुआ। अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेते हैं प्याजों को। ये देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। इसको भी भून लेते हैं अच्छी तरह से। इसको लगातार चलाते भी रहें ताकि मसाला नीचे नहीं लगे। ये देखिए मसाला भी भून गया हमारा। इसमें आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची, वैसे हमने हरी मिर्चें डाली हैं काफी। मिर्च मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और हमने साग में नमक डाल दिया था और थोड़ा सा सिर्फ इस मसाले के हिसाब से हम इसमें नमक डाल रहे हैं। 1-2 मिनट चलाकर इसके अंदर हम ये साग डाल देंगे जिसको कि हमने घोट लिया है। थोड़ा प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी घोल के डाल दिए 1 कड़छी। इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक होने देते हैं ताकि सारे मसाले इसके अंदर रच बस जाएं। ये देखिए अच्छे से 5-1 मिनट हमने इसको भून लिया है। तो जो हमने 1 मुट्ठी दाल डाली थी उसकी वजह से हमें इसमें कोई आलन वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। देखिए पानी अलग और साग अलग नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। बस अब इसमें एक ऊपर से हल्का सा तड़का लगाएंगे। तड़का लगा लेते हैं। 1 चम्मच घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें अब हम डाल देते हैं 1-2 कलियां लहसुन की जिसे हमने छोटा छोटा काट ली, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। ये तड़का लगाने से ना साग साग का स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ये देखिए हल्का ब्राउन हो गया है। इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 चम्मच लाल मिर्ची, मिक्स करके
और इस पर डालते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा मेथी पालक बथुए का साग बनकर तैयार है। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। साग बन के तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और एंजॉय करें। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय, खुश रहिए।